समन्वय तथा समन्वयिका, शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर बिशप स्क्वाड स्कूल उंडरी दोपहर के बाद के छात्र छात्राएं आपके समक्ष देशभक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों को लेकर आए हैं। सर्वप्रथम आप सभी के स्वागत के लिए स्वागत नृत्य प्रदर्शन करने के लिए मैं नम्या गुप्ता व अंशिका गुप्ता को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ।
से सर्वप्रथम आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर मैं अनाया पटेल आप सभी के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत शब्द रखने जा रही हूँ। आज के ही दिन 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। इस आजादी को हासिल करने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया।
धर्म त्योहारों में रंगा हुआ हमारा देश रंगीला है। तो आइए देखते हैं कक्षा पहली व दूसरी की छात्राओं का नृत्य प्रदर्शन। आइए तालियों से इसको बजाते हुए नन्ही सी छात्राओं का स्वागत करते हैं। देश रंगीला। Thank you.
वतन तुझे सलाम है, तू आन है मेरी, तू ही तो घर तू ही बसर, पहचान तू मेरी। दिल भर आता है अपने देश अपने वतन की आजादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आजादी को पाया है, पर क्या हम आज वाकई में आजाद है? क्या आज देश का हर नागरिक आजाद है? बिल्कुल नहीं। नजर दौड़ाइए और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें अंग्रेजों से तो आजादी जरूर मिली, लेकिन आज भी हम सामाजिक बुराइयों की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। कभी धर्म के नाम पर तो कभी मजहब या भाषा के नाम पर एक दूसरे को आज भी मारा काटा जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी गरीब को एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। इंडिया राइजिंग, इंडिया शाइनिंग, भारत तरक्की तो कर रहा है, लेकिन क्या वो तरक्की आम आदमी तक पहुंच रही है? शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो फिर क्यों किसान आज आत्महत्या कर रहा है? क्यों बेरोजगारी है? क्यों गरीबी बढ़ती ही जा रही है? क्यों आज लाखों बेघर है? राजनीति में तो केवल भ्रष्टाचार ही है, समाज कल्याण के नाम पर अरबों रुपयों का हेरफेर होता है, हर व्यक्ति लालच में फंसा हुआ है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, लूटमार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातपात, भेदभाव, ये सब लोगों को केवल तबाही की ओर ही ले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, लालच और सामाजिक भेदभाव से अगर आजाद
ये कसम ये हम सभी ना झुकेगा देश अपना ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ये हम सभी ना झुकेगा देश अपना ना झुकेंगे हम कभी। के लिए और उनकी प्रस्तुतियों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं।
action. I think the songs, the powerful messages that came across, whether it was a skit, whether it was a song, whether it was a dance. And I cannot fail to thank Mrs. Khilari, Mrs. Kamti, and I think any other second language teachers or third language teachers who have helped them in putting up such a fabulous program. Please clap for your teachers and the children. I think it is befitting that such feelings of patriotism, love for our country, are instilled through such programs. And I thank the second language department of the first session and the second session for really invoking those feelings in us today. And I'm sure we will live with these feelings each day, not only because it's Independence Day tomorrow, but we will grow in our faith, in our spirit, in the love for our country as we move ahead. So please give a loud round of applause for Arun, who anchored so beautifully, the wonderful singing, the skit, the dance. I thank all you children who are the stars of today. Please give them a loud round of applause. Please clap for yourselves. I must mention those two girls who swayed left and right. I don't think any of us could compete with them. Where are those two small girls? The two smallest girls, please come up. I think from class one. Yes, miss. Please bring them forward, and I want every one of you to please clap for them. Principal headmaster, myself, the sectional coordinators, the coordinators, teachers, a happy Independence Day tomorrow. God bless you all and have a wonderful day. Please give a loud round of applause for the children. Thank you, children, for giving us such a beautiful and a wonderful time today. Thank you. वह हृदय नहीं वह पत्थर है।
जिसमें स्वदेश का तार है। मैं आयुष कदम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का सुअवसर मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिनकी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनी रही और जिसके कारण आज का हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह सार्थक हो पाया। मैं हमारे माननीय प्रधानाचार्य श्रीमान रूप सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका सहयोग और मार्गदर्शन हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कुंजी है। साथ ही मैं हमारे मुख्य अध्यापक श्रीमान रसल सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे प्रेरणा स्रोत है। मैं हमारी मुख्य अध्यापिका जी श्रीमती फर्नांडिस मैम का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका अनमोल मार्गदर्शन और प्रेरणा पाकर हमारे विद्यालय के सभी प्रतिभागी छात्र और छात्राओं ने देशभक्ति प्रभावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। मैं यहाँ उपस्थित हमारे संबंधित श्रीमान फ्रांसिस सर, श्रीमान बॉजन सर, हमारे संबंधिता श्रीमती किले मैम, श्रीमती मैरिन मैम और यहाँ उपस्थित मेरे सभी शिक्षक गणों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। मैं कंप्यूटर विभाग, गणित विभाग, मराठी विभाग एवं संगीत विभाग का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनका इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान है। मैं विशेष रूप से स्थित विभाग को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिनका हमारे इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी तैयारियों में हमारा सहयोग किया है और हमेशा करते हैं। अंत में आप सभी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को गतिशील और सार्थक बनाए रखने के लिए अपना योगदान एवं आशीर्वाद प्रदान किया। प्रभु हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखे। आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।